हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अपडेट क्लास। यदि आप रिलायंस या फिर जियो दोनों एक ही है, इसमें अपना जॉब पाना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से हेल्प मिल जाएगी। आप किसी भी प्रकार से कोई भी जॉब रिलायंस में पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं, जिसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस पेज के ऊपर आने के इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है, जो है career.jio.com। इसके ऊपर आने के बाद आप यहां दो ऑप्शन देख सकते हैं, यूजर लॉगिन और पार्टनर लॉगिन। ऑब्वियसली आप पार्टनर लॉगिन तो होंगे नहीं, आप यूजर लॉगिन होंगे। उसके लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा, जिसके लिए हमें न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद ये पेज खुलता है, जिसमें आपको क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर सारे डिटेल्स फिल करना होगा। तो फटाफट चलिए कर लेते हैं। यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे। यदि पासवर्ड को किस प्रकार से जनरेट करना है, यहाँ मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। आपका एक अपर केस होगा, लोअर केस होगा और नंबर होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। नेम एक्यूरेटली आपको 10th के जैसे मार्कशीट में होगा वैसे ही डालेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे, वो सही होना चाहिए। कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया है, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस साइड कॉर्नर पे देख सकते हैं, जॉब का सेक्शन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे जॉब यहाँ आपको दिख रहे होंगे। देखिए, बिजनेस ऑपरेशन, इसमें 991 जॉब है, बहुत सारे जॉब हैं। अभी मैं एक एक करके बात करूंगा, लेकिन यहाँ रिफाइन योर सर्च के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ अपना कीवर्ड डालेंगे कि आप किस प्रकार से जॉब चाहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जॉब हैं, अभी हम एक एक करके स्क्रॉल डाउन करके आपको बताएंगे। सिलेक्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करके आप वो सर्विस प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, जैसे सप्लाई चेन के बारे में या फिर अदर्स में जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगेगा उसके बारे में चूज करेंगे, उसका वैकेंसी आपको यहाँ शो करेगा। यहाँ फ्रेशनेस के लिए, यानी कि अभी अपडेट में कौन सा वीडियो चल रहा है, लास्ट 1 डे, लास्ट 7 डे, लास्ट डे, मैक्सिमम आप लास्ट 30 डे का आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यदि आप ये सारे प्रोसेस नहीं करते हैं तो यहाँ आपको सारे जॉब दिखाएंगे, आपको खुद ब खुद चुनना होगा। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ बिजनेस ऑपरेशन है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, कस्टमर सर्विस है, इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी है, आईटी सिस्टम है। इस प्रकार से बहुत सारे वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। टोटल कुछ इस प्रकार से वैकेंसी है, 991 इसमें, 991 इस प्रकार से, 838 इसमें। आप टोटल देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर आकर के। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा। आप फेक वेबसाइट के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कस्टमर सर्विस के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप इसके सारे डिटेल्स जान सकते हैं, कस्टमर सर्विस में क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद कम ज्वाइन द डिजिटल इंडिया मूवमेंट शो करेगा कि आपके एरिया में वो कॉल सेंटर कौन सा है, यानी कि कौन से ऐसे ऑफिस है जहां आपको मिलेगा, जैसे एडवाइजरी वॉइस के लिए, टेक्निकल हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव के लिए एडवाइजरी वॉइस बहुत सारे हैं। अपना एड्रेस देखेंगे या फिर आप कहीं क्वेरी कर सकते हैं दूसरे जगह, तो वहां का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए, विजयवाड़ा 2 के लिए निकला हुआ है, महाराष्ट्र के लिए निकला हुआ है, लखनऊ के लिए निकला हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शहर हैं, ऐसे सिटी हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी एक को चूज करेंगे, चंडीगढ़ को चूज कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके पूरे डिटेल्स ओपन हो जाते हैं। जो पोस्टेड डेट है वो 14 अप्रैल 2021 है, यानी कि लेटेस्ट का ही है। फंक्शन बिजनेस एरिया कौन सा है, तो कस्टमर सर्विस है। लोकेशन है वो पहले चुन चुके हैं, चंडीगढ़। जॉब रिस्पांसिबिलिटी को पढ़ लेंगे, 12 गो जॉब रिस्पांसिबिलिटी है। जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट मांगा गया है वो 12th मांगा गया है, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री एंड एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 6 मंथ मिनिमम मांगा गया है, मैक्सिमम 2 इयर्स होगा या फिर उससे ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा है। स्किल्स जो मांगा गया है वो 7 है, स्पीक लोकल लैंग्वेज, दूसरा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपके पास, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, किस प्रकार से कोई प्रॉब्लम होता है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कस्टमर फोकस होना चाहिए, टेक्निकल ओरिएंटेशन होना चाहिए, अटेंशन टू और डिटेल्स होना चाहिए, और सर्विस माइंडसेट होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट चीज मांगा गया है। उसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, जो आप अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी बनाए थे। यदि नहीं बनाए तो न्यू यूजर ऊपर के यहाँ क्लिक करके बना सकते हैं। आप बना चुके होंगे तो यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे डाल करके। लॉगिन करने के बाद आप सारे डिटेल्स को फिल कर देंगे। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ। यदि किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है तो हमें नीचे कमेंट करें, उसका अप्लाइंग प्रोसेस वीडियो भी बना दिया जाएगा और आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ लॉगिन होंगे अपने आईडी पासवर्ड डाल करके, उसके बाद आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जितने भी वैकेंसी है सभी के लिए अप्लाई दे सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है जियो को। और भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। जैसे जो आपका सैलरी रहने वाला है वो बीपीओ लेवल का ही होता है। जैसे कि आप किसी भी आईडी या फिर किसी भी कोई भी रिटेलर कंपनी में जॉब करते हैं तो 8-10 या फिर 6-10 के बीच में आपका सैलरी होगा। आपका जो वर्क साइकिल होगा वो नाइट भी हो सकता है और डे भी हो सकता है, ये आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से जॉब साइकिल मिलता है। इसके बाद भी यदि आपको कोई भी और जानकारी पाना है, यानी कि डीपली नॉलेज पाना है इसके बारे में, तो आप इसके कस्टमर सर्विस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको गूगल पे या फिर इस कैरियर सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए अपडेट क्लास के साथ। नमस्कार।